आजकल की भाग दौड़ भरी ऐसी लाइफ हो गई है, ऐसी बिजी लाइफ हो गई है कि हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, जिसकी वजह से कई लोगों में खून की कमी हो जाती है या जल्दी थकान होने लगती है, कमज़ोरी हो जाती है। स्पेशली महिलाओं में खून की कमी बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। आप कोई भी काम करने चलते हैं, आपको लेजीनेस फील होती है, सुस्ती छा जाती है, बहुत जल्दी से थकान आ जाती है, शरीर पूरा भारी भारी लगता है, एनर्जेटिक नहीं लगता है। तो इन सभी समस्याओं का एक बहुत इजी सा समाधान इस वीडियो में हम आज शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा काला चना। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, काला चना जो होता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रदान करने वाला होता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो काला चना होता है वो कैल्शियम आयरन फाइबर से भरपूर होता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। काला चना हमारे ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित रखता है, आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है, पाचन तंत्र को हमारे बहुत ही मजबूत बनाकर रखता है, खून की कमी नहीं होने देता शरीर में, वजन को कंट्रोल करने में जो चना है बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है, क्योंकि इसमें फाइबर होते हैं। इसे आप एक बार खा लेते हैं तो लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग करने से बचेंगे। यह आपके दिमाग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, झुर्रियों को आने से रोकता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें, बाल झड़ने से रोकता है क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होता है, इसमें कैल्शियम है इसलिए यह हड्डियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये है बहुत ही काम की चीज़ जो कि हमारे किचन में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है। तो इसे हम अगर डेली डाइट में इन्वॉल्व करें तो हमें बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो आना ख़त्म हो जाएंगी। तो पहली चीज़ तो हमारी ये हो गई। अब दूसरा हम इसे में यूज़ करने वाले हैं किशमिश। किशमिश भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, किशमिश में फाइबर पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं, विटामिन से ये भरपूर होती है, कैल्शियम होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है, पोटेशियम मिलता है इसको खाने से हमारी बॉडी को, मैग्नीशियम होता है इसमें। इन सभी खूबियों के कारण ये बॉडी में अनीमिया नहीं होने देता, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, नींद आने में सहायक होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे भी आजकल होते हैं जो कि रात में जल्दी से सोते नहीं हैं, उन्हें नींद ही नहीं आती है, तो उन सब चीज़ों को ये दूर करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बॉडी में ऊर्जा लेकर आता है और बॉडी को डिटॉक्स करने में हमारी सहायता करता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें तो हमने बता दी इस नुस्खे में जो यूज़ होने वाली है, और अब जो तीसरी चीज़ हमारी यूज़ होने वाली है वो है मूंगफली, कच्ची मूंगफली। अब जो ये तीनों चीज़ें हैं ये मिलकर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो जाती हैं, जैसा कि आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे। मूंगफली जो होती है इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो कि हमारी स्किन और हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, कैंसर से हमारा बचाव करता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है जो पीनट होता है यानी कच्ची मूंगफली होती है। जो लोग बादाम नहीं खा सकते उन लोगों को पीनट तो ज़रूर खाना चाहिए। बादाम महंगा होता है लेकिन ये बहुत ही सस्ता होता है और इसके फायदे जो होते हैं वो पूरे बादाम वाले होते हैं। तो ये जो कच्ची मूंगफली होती है बादाम को टक्कर देने वाली होती है, इसमें इतने फायदे होते हैं। गर्भावस्था के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है अगर आप थोड़े थोड़े डेली पीनट खाते हैं तो, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड होता है जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है, लोग अवसाद में चले जाते हैं तो उससे निकलने में ये हमारी सहायता करता है। इससे कब्ज एंड पाचन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, कब्ज नहीं होने देता बॉडी में। तो अब हमें करना क्या है कि इन सब चीज़ों को हमें लेना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे चना। तो ये देखिए चम्मच से 4 चम्मच चना आप इस तरीके से ले लीजिए और इसके बाद आप इसमें ले लीजिए 2 चम्मच किशमिश और इसके साथ ही इसमें हमें डालना है 2 चम्मच मूंगफली के दाने, ये कच्ची मूंगफली हमने ली है। अब इन सभी चीज़ों को हमें पानी में भिगो देना है। पानी में भिगोने से पहले आप इसे 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लें। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसे वॉश कर लिया है और पानी में भिगा दिया है। अब इसे हम रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसे लेना कैसे है। सुबह आप उठिए, सुबह उठने के बाद जब भी आप फ्रेश वगैरह हो लेते हैं उसके बाद आपको ये लेना है 2 चम्मच। इस तरीके से चम्मच से आप नाप लीजिए। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं उन्हें केवल आप 1 चम्मच दे दीजिए, इतना बच्चों के लिए सफिशियंट होगा। आप अगर सुबह नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से तो आप इसे शाम को भी ले सकते हैं। तो खाना खाने से पहले, जैसे शाम को क्या होता है हमारा पेट खाली होता है लगभग,
उस टाइम पे इसे आप ले सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जो ये पानी होता है इसका हमें क्या करना है, तो अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये पानी आप पी सकते हैं, अदरवाइज़ जो दवाइयाँ होती हैं वो पानी में चली जाती हैं, तो आप पानी को अवॉइड कर सकते हैं पीना। तो ये था हमारा एक बहुत ही काम का घरेलू नुस्खा, जिसको यूज़ करने से आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही अंतर समझ में आने लगेगा। आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी, और बॉडी में कई तरह की तत्वों की कमी हो जाती है वो सब इससे पूरी होती है। खून की कमी तो जैसा आपको पता ही है इससे बहुत ही अच्छे से पूरी होने वाली है। मांसपेशियों में जो दर्द रहता है चना उसको खींच लेता है, और आप इसको अगर लगातार सेवन करते हैं कुछ दिनों तक तो आप खुद ही महसूस करने लगेंगे कि आपकी लाइफ में कितना अंतर आ गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव और सुझाव हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन अवश्य दबाएँ ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।